मैन ऑफ द इवनिंग हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अशरफ साहब, इनको हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढते फिलहाल यहाँ पर ले आए। सर, भोले से जो सफ़र शुरू हुआ था, भोले से भी पहले से जो सफ़र शुरू हुआ था जी, अब वो एक बड़ी स्क्रीन पर आने वाला है। लोग क्या इंतज़ार करें, किस चीज़ का इंतज़ार करें ईद तक? जो चाहे स्क्रीन इतनी है या इतनी है, मेरा जो व्यूअर है, जिनके लिए मैं काम करता हूँ, जो मेरा बॉस है, वो सारी साइज़ की स्क्रीन्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा मेहनत की है, इस दफ़ा भी मेहनत की है, पूरी मेहनत की है। मुझे इस बात का एहसास है कि मुझे देखने वाले अपनी ज़िंदगी के कीमती वक्त में से हज़ारों परेशानियां काम छोड़ के अगर इमरान अशरफ की एक्टिंग के लिए थोड़ा सा वक्त निकालते हैं, तो मैं तो अपने वक्त की बड़ी कदर करता हूं। तो सोचे बॉस के वक्त की कितनी कदर करता हूँगा। उनके वक्त की कदर करते हुए एक एक डायलॉग, एक एक सीन और एक एक एक्सप्रेशन दिया है। आइएगा, आप लोगों ने मुझे बनाया है और मेहरबानी आपकी। कोई डायलॉग, कोई कैरेक्टर, कुछ तो रिवील कर दे। फिल्म का नाम है दम मस्तम। यार मैं हूँ ना फिल्म में। यार आए आप, भाई कह रहे हैं ना, आप आए आप, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, इमरान शरीफ हमारे साथ मौजूद थे खुद, और फिल्म की जो रिलीज़ है वो जब होगी तो आप देख पाएंगे कि क्या कैरेक्टर है। ये देखिए, यही सब कुछ होता आ रहा है और हम इसमें फंसे हुए हैं। तो इंतज़ार करें ईद।